नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। ये राजनीति का वो दौर है जहां एक चेहरा पूरी पार्टी की पहचान है। आज फिर यह बात साबित हो गई। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण और एक पुराने कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को पीएससी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोनों नेताओं ने पार्टी में केजरीवाल के बढ़ते प्रभाव और आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। इसी बात पर कलह गहराती गई और नतीजा ये कि बिग बॉस के खिलाफ बोल बंद कर दिए गए। जिन पर पार्टी के एकमात्र चेहरे पर साजिश के आरोप थे, जिनका फैसला करने के लिए 6.5 घंटे से ज्यादा की मैराथन बैठक चली, जब वो बाहर निकले तो चेहरे पर उदासी थी और मीडिया में गहमा गहमी। बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएससी से बाहर किए जाने का फैसला लिया गया। बहुमत के आधार पर यह फैसला हुआ। वो जो ऑफिशियल स्पोक्समैन है वो बता देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बस ये तय किया है कि मैं और योगेंद्र यादव अभी पीएससी के मेंबर नहीं रहेंगे। कोई जिम्मेदारी और दी गई है, अल्टरनेटिव जिम्मेदारी? वो सब बाद में तय होगा, वो सब मेजॉरिटी। मुझे केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुमत से जो फैसला हुआ है उसकी आधिकारिक घोषणा अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता करेंगे। उसकी घोषणा करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कि आम आदमी पार्टी इस देश के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के खून पसीने से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी देश में न जाने कितने लोगों की आशा का पुंज है और चाहे जो हो ये आशा नहीं टूटनी चाहिए। बहुमत का फैसला तो दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने रख दिया, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी बाकी था। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण तो जानकारी देने के बाद कापसहेड़ा से रवाना हो गए। पार्टी के प्रवक्ता जब मीडिया के सामने आए तो इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो गया। सब एकजुटता के साथ काम करेंगे। पार्टी ने मिशन विस्तार और अनुशासन संबंधी मुद्दों पर भी एनी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने बातचीत की। पार्टी ने और पार्टी के एनी ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के दो वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं जो तय की जाएंगी। पीएससी की बैठक में बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया कि पार्टी के फाउंडर मेंबर प्रशांत भूषण और पुराने साथी योगेंद्र यादव को पीएससी की जिम्मेदारियों से हटा दिया जाए। 19 सदस्यों वाली बैठक में दोनों के पक्ष में 8 वोट पड़े, जबकि 11 सदस्यों ने इन दोनों के खिलाफ वोट किया। इसके अलावा बैठक में पार्टी संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया गया। प्रशांत भूषण पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जबकि योगेंद्र यादव पार्टी संविधान बनाने के समय से जुड़े हुए हैं। लगभग 6 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के क्लाइमेक्स का अंत हुआ और ये तय हो गया कि आम आदमी पार्टी की पीएससी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का नाम अब हटा दिया जाएगा। हालांकि पार्टी कह रही है कि उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जरूर जाएंगी, लेकिन कब और वो जिम्मेदारियां क्या होंगी ये तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई और लगभग 6.5 घंटे चलने के बाद दोनों नेताओं के बारे में फैसला लिया गया। हालांकि पीएससी सदस्यों का कहना है कि दोनों नेता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और दोनों को पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त कर नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी ताकि पार्टी फल फूल सके। ये संकल्प पार्टी की मीटिंग में एनी ने उठते समय लिया कि पूरा संगठन और हर एक व्यक्ति पार्टी की बेहतरी के लिए साथ है और दिल्ली और देश के लोगों ने जो उम्मीद पार्टी से लगाई है उन्हें वो पूरा करेगी। किसी भी व्यक्तिगत बात के कारण या किसी भी व्यक्तिगत मतभेद के कारण कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक दूसरे में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी को आगे ले जाने का संकल्प पूरा करेंगे। पार्टी के सदस्य चाहे जो भी कहें, लेकिन पुराने साथी और विपक्षी इस फैसले को अपने नजरिए से देख रहे हैं। तकरार तो जग जाहिर है। भले ही पार्टी के सदस्य इसे बिना मतभेदों का फैसला करार दें, लेकिन जाहिर है कि दरार तो पड़ ही चुकी है, जिसका दूरगामी असर आने वाले वक्त में दिख सकता है। रीमा पराशर, दिल्ली आज तक।
बुधवार का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बेचैनी भरा दिन रहा। 3 दिन खुलेआम जारी झगड़ा तल्खियों के नए दौर से गुजरा। नेताओं ने सार्वजनिक बयानबाजी की। सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के भीतर गहमागहमी का दौर रहा। एक तरफ पार्टी के नेता अपने अपने रुख पर डटे रहे, दोनों धड़ों के नेता अपनी अपनी राय रखते रहे, दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता भी सुलह की अपील करते रहे। सुबह से शुरू हुआ अटकलों का दौर देर शाम जाकर खत्म हुआ। सिद्धांतों की राजनीति के पीछे भी नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं। हालिया राजनीति में नई उम्मीद के तौर पर उभर रही आम आदमी पार्टी में जारी तकरार के पीछे भी यही वजह है। 60 साल से एक ढर्रे पर चल रही राजनीति से लोहा लेने केजरीवाल, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव एक साथ खड़े हुए, लेकिन अब निजी महत्वाकांक्षाओं ने टकराव के हालात बना दिए हैं। पार्टी में चल रही तकरार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही सतह पर आ गई, लेकिन इससे पहले का घटनाक्रम भी तमाम उथल पुथल भरा रहा। बुधवार सुबह 10:08 पर योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर मैंने गलत किया तो मुझे सजा मिले। बढ़ती हुई तकरार को देखते हुए पार्टी के कूल हेड योगेंद्र यादव ने इस बयान से जाहिर करने की कोशिश की कि वो पार्टी लाइन से अलग नहीं है और अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। सुबह 10:30 पर पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि अनुशासन से ऊपर कोई नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेना चाहिए ठोस निर्णय। केजरीवाल धड़े के प्रवक्ता आशुतोष ने योगेंद्र यादव के बयान को आधार बनाकर कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे संदेश जाए कि अनुशासन से ऊपर कोई नहीं। सुबह 11:09 आशीष खेतान का बयान आया कि भूषण के खिलाफ मुझे सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। आशीष खेतान ने शांति भूषण और प्रशांत भूषण पर पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, लेकिन तकरार के बीच ही अपने सार्वजनिक बयान पर सार्वजनिक माफी भी मांगी। सुबह 11:30 पर योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा, अंदर रहकर सुधार करूंगा। पार्टी नेताओं के बीच उभरते मतभेदों के दौरान योगेंद्र यादव ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में रहकर ही इसे और बेहतर करेंगे। पिछले 72 घंटे में तमाम वॉलंटियर्स ने बहुत से मैसेज दिए हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ईमेल, फोन, यूनाइटेड आप करके हैशटैग चला रहे हैं। उन सब ने ये कहा है कि पार्टी में एकता बनी रहनी चाहिए। मैं उन सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपनी तरफ से वायदा करना चाहता हूँ कि ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। दोपहर 12:08 पर आनंद कुमार ने कहा कि तकरार को खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकालें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर आनंद ने समाधान के लिए बीच का रास्ता खोजने के साथ ही ये भी कहा कि सार्वजनिक बयानबाजी भी गलत है। दोपहर 12:33 पर अरविंद केजरीवाल का पार्टी संयोजक पद से इस्तीफा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने पार्टी संयोजक पद से इस्तीफा देकर दिग्गजों के बीच उपजे मतभेदों को खत्म करने की कोशिश की। केजरीवाल ने इस्तीफा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भेज दिया। दोपहर 12:38 योगेंद्र यादव ने किया केजरीवाल के इस्तीफे का विरोध। केजरीवाल ने इस्तीफा पार्टी के अंदर शांति बहाली के लिए दिया तो योगेंद्र यादव ने इस्तीफे के विरोध का बयान दिया। दोपहर 1:00 नवीन जयहिंद ने रखी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के इस्तीफे की मांग। इसके बाद आप नेता नवीन जयहिंद ने केजरीवाल विरोधी धड़े से इस्तीफे की मांग कर डाली। बैठक में सारी तरह की चर्चाएं होंगी कि ये पूरी की पूरी तरह से किस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, किस तरह से साजिश रची गई थी, किस तरह से मीडिया रिपोर्ट लीक की गई थी, ये सारी चीजें बाहर आएंगी, सारी चीजें पता चलेंगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर आज कार्रवाई हो सकती है? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्धारित करेगी। दोपहर 1:30 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास। बैठक शुरू होने से आधा घंटा पहले मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने कापासेड़ा के कैलिस्टा पार्टी लॉन पहुंच गए। दोपहर 1:35 योगेंद्र यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंचे। पार्टी के भीतर चल रहे गृह युद्ध में दूसरे धड़े के पहले नेता पहुंचे, लेकिन प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव के लगभग आधा घंटे बाद कापासेड़ा पहुंचे। दोपहर 1:59 पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे प्रशांत भूषण। दोपहर 2:00 आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मैराथन बैठक शुरू हुई, जहां तमाम टकरावों का हल खोजने के लिए पार्टी के दोनों धड़ों के नेता आमने सामने बैठे।
ताकि टूटने के कगार पर दिख रही आम आदमी पार्टी को बचाया जा सके। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। विशेष में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे तो दिखाएंगे नेताओं की तकरार में। पार्टी की बैठक से पहले ही कयास लगाए जा चुके थे कि अब अंतरकलह इतनी गहरी हो गई है कि कुछ न कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस बीच केजरीवाल समर्थक नेताओं और दूसरे खेमे के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती गई। आम आदमी पार्टी की उस कलह से उसकी साख को बट्टा लगा और इसी बात से आहत हुए वो कार्यकर्ता जो बड़ी उम्मीदों से पार्टी के साथ रात दिन जुड़े रहे। इन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन करके अपने नेताओं में टकराव खत्म करने की अपील की। कापसहेड़ा के एक रिसोर्ट के भीतर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तो बाहर पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में अपने गुहार के पर्चे लिए खड़े थे। ये वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से दिल की गहराइयों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उनमें खुलेआम झगड़ा हो रहा है, बयानबाजियां हो रही, नौबत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की आ गई। इससे ये लोग बहुत आहत हैं। ये लोग कुछ नहीं चाहते, बस पार्टी की एकता चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में भले ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, लगातार बातें निकल रही हो टूट की, लेकिन जो कार्यकर्ता है आखिरकार वो क्या चाहता है। फिलहाल जो कार्यकर्ता यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट के बाहर कापसहेड़ा में पहुंचे हैं, ये अपने साथ ये बैनर लेकर के आए हैं, यूनाइटेड आप यानी एकजुट आम आदमी पार्टी के बैनर के साथ ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं एग्जीक्यूटिव मीट के बाहर। हम तो ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी इकट्ठा होकर आगे देश में काम करे। अपने जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हम अपने आम आदमी पार्टी को टूटने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अंदेशा यही चल रहा था कि शायद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। अरविंद केजरीवाल के धड़े के लोगों की बातों से इसकी बू भी आ रही थी। हर परिवार का एक न्यूनतम अनुशासन है, उस अनुशासन की पालना सबको करनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं से मैं एक कार्यकर्ता के नाते ये अनुरोध करता हूँ और अनुभव करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि वो भी इस न्यूनतम अनुशासन को बनाए रखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय संयोजक हो और चाहे वो एक बुराड़ी का और हमारे करावल नगर का एक छोटा सा कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी जब पहुंचे तो पूरी तरह बैकफुट पर थे। पिछले चार दिनों से योगेंद्र सफाई पर सफाई दे रहे हैं। मीटिंग से पहले ही उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया। आज बड़ा दिन है और बड़ा दिन बड़े काम करने का दिन होता है। जो संकट दिखाई देता है वो दरअसल संकट नहीं होता, वो एक अवसर होता है आगे बढ़ने के लिए। आम आदमी पार्टी एक छोटा बच्चा है, हम सीख रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक कदम आगे बढ़ी है, पीछे नहीं गई है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पार्टी के पुराने और दमदार सदस्य हैं। जो लोग पार्टी के किसी गुट या धड़े से नहीं जुड़े वो भी यही कहते थे कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, अनुशासन तोड़ने वालों को सबक मिले लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान न। ये सभी बड़े भावुक लोग हैं, बड़े आदर्शवादी लोग हैं, बहुत चिंतित लोग हैं, बहुत समर्पित लोग हैं और ये हर बात में पिछले 26 तारीख को ही अभी सब लोग एक साथ बैठे थे, प्रशांत जी भी थे, बाकी लोग भी थे, योगेंद्र जी थे और भी लोग थे। धीरे धीरे एक अभ्यास बनेगा कि कब कहाँ क्या कहना चाहिए, किससे कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए। ये देश काल पात्र का ध्यान रखे बिना बात बेकार हो जाती है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का इंतजार सभी को था, क्लाइमैक्स का इंतजार सबको था, आखिरकार क्लाइमैक्स आ ही गया। श्वेता शर्मा, जुगल पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी में इससे पहले भी उठती रही हैं इस तरह की आवाजें, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। ये पहली बार नहीं हुआ कि योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाई हो, इससे पहले भी वो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इस बार ये लड़ाई चिट्ठियों से शुरू हुई और फिर बैठक में नतीजे सामने आए।
दरअसल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने चिट्ठियों के जरिए पार्टी में केजरीवाल के बढ़ते प्रभुत्व पर सवाल उठाए थे। जब ये चिट्ठियां लीक हुई तो झगड़ा सरेआम हो गया। ये तिकड़ी पार्टी के रणनीतिकारों की थी, लेकिन अब इनके बीच मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि मिटाए नहीं मिट रहे। आम आदमी पार्टी के बीच तकरार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की चिट्ठियों से शुरू हुई। इस चिट्ठी में एक ही आदमी को दिल्ली का सीएम और पार्टी संयोजक बनाए जाने पर सवाल खड़े किए गए, और जब ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई तो पार्टी के अंदर की कलह उजागर हो गई। शांति भूषण जी ने जिस तरीके से चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को हटाने की बात की, उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव का फैसला आ गया, उसके बाद फिर उसी बात को दोहराया जा रहा है, तो ये लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई दूसरी बात है। तो ये बात शांति भूषण जी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने ये बात क्यों कही, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। और मैंने इसीलिए कहा है कि भाई ये तो इनडिसिप्लिन है, और नेशनल जो एग्जीक्यूटिव है वो इस पर बैठ के फैसला करे। अन्ना आंदोलन के जमाने से प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल हर मोड़ पर साथ रहे। इस सफर में योगेंद्र यादव भी उनके साथी रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त भी योगेंद्र यादव ने पार्टी के भीतर लोकतंत्र को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बढ़ते विरोध के बीच पार्टी दो धड़ों में बट गई। कभी कोई चिट्ठी लीक की जाती है, कभी 7 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी 4 पेज की चिट्ठी लीक होती है, कभी एडमिरल साहब की चिट्ठी लीक हो जाती है, कभी प्रशांत भूषण जी की चिट्ठी लीक हो जाती है। और लोकतंत्र का मतलब क्या है? पार्टी के भीतर की कला इतनी आगे बढ़ गई कि पार्टी के एकमात्र चेहरे अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली चुनाव में एकजुट नजर आने वाली पार्टी सत्ता हासिल होने के बाद दो फाड़ नजर आ रही है। रवीश पाल सिंह के साथ जुगल पुरोहित, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।